सो गाइज, शिमलीपाल के वीडियो के फर्स्ट पार्ट के बाद बारी आती है दूसरे पार्ट की। दूसरे पार्ट में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और कुछ एक्सपीरियंसेस। तो अगर आपको जानना है कि कैसे जाना है, किस ट्रेन पे जाना है, कौन से स्टेशन पे उतरना है, कितना खर्च है, कार कैसे बुक करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए आपको मेरे वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है उसको देखना पड़ेगा। और आज बारी है दूसरे पार्ट की। तो सबसे पहले फूड के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि कहीं पे भी हम घूमने जाते हैं तो पेट पूजा मस्ट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने के बाद ऑब्वियसली भूख लगती है। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, जब भी आप शिमलीपाल 2 से 3 घंटा घूम ले, उसके बाद उसके अंदर जो रेस्टोरेंट है, खाने का जो जगह है, वहाँ पर जाके आप खाने के लिए ऑर्डर दे दीजिए पहले से ही, क्योंकि आप ऑर्डर देंगे तभी वो लोग खाना बनाते हैं। एक्स्ट्रा खाना कहीं पर बन के नहीं रहता है, तो क्योंकि उन लोगों को लगता है कि खाना ख़राब हो जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट का एक कैंटीन है जहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, इसीलिए हमने बाहर एक छोटे से दुकान में खाने का ऑर्डर दिया था। एंड वी हैव नेवर ट्राइड दिस टाइप ऑफ प्लेसेस एंड दिस वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि फूड वाज रियली ऑसम एंड आई हैव रियली एन्जॉयड द फूड। और ये जो पूरा प्लेट था खाने का, दैट वॉज़ फॉर ₹150। तो इस तरीके के जगह पर जाके भी आप खाने का ऑर्डर दे सकते हो। मेक श्योर आप पहले जाके खाने का ऑर्डर दें, नहीं तो बाद में आपको खाना वहाँ पर नहीं मिलेगा। तो खाना खा के निकलने के बाद हमने ख़रीदा था जंगली आंवला। वैसे वहाँ पे आंवले का बहुत सारा पेड़ है, मैंने ऑलरेडी बताया कि वहाँ पे 1300 टाइप्स के प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे, उसमें से एक है आंवला। और हमने बहुत सारे आंवले तोड़े भी प्लांट्स एंड इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। और इसके बाद गाइज हम चले गए डियर देखने के लिए। वहाँ पर एक राजा थे जो शिकार करने आते थे, और उनका एक फार्म हाउस भी है अभी भी। और उस जगह पे इवनिंग में आते हैं डियर घास खाने के लिए, पानी पीने के लिए। तो वहाँ पे हम गए, लकीली वहाँ पे लोग बहुत कम थे तो हमको एक डियर देखने को मिला, तो उसको हमने देखा और वहाँ से हम वापस आ गए। तो इसके बाद हमारी कार तेज़ी से भागने लगी और हम चलने लगे, और जाते जाते रास्ते में धीरे धीरे अंधेरा होने लगा जंगल में। और अंधेरा होने के बाद जंगल का जो नज़ारा है वो कुछ अलग ही लगता है। वैसे अंधेरा होते समय हमने और 3 हिरन देखा, लेकिन उनके पिक्चर मैं नहीं खींच पाई लास्ट में, हालांकि मैंने 1 हिरन का पिक्चर खींचा था। वैसे गाइज यहाँ पे देखने के लिए और भी बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, जैसे उसकी वाटरफॉल है, उसके साथ है सीताकुंड वाटरफॉल, देवकुंड वाटरफॉल, भीमकुंड वाटरफॉल, रामतीर्था रिवर, और भी ऐसे बहुत सारी जगह है। तो उसको देखने के लिए आपको एटलीस्ट यहाँ पे और एक दिन स्टे करना पड़ेगा। फर्स्ट डे पे आपको 2 ही वाटरफॉल हार्डली देवकुंड देखने को मिलेंगे, टोटल 3 वाटरफॉल आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, उससे ज़्यादा वाटरफॉल आप नहीं देख पाएंगे। तो फाइनली चलते चलते हमने जब सामने गए तो लेफ्ट साइड में अंधेरे में एक बड़ा सा हिरन घास खा रहा था, और हमें देखे वो एकदम शांत हो गया। और मैंने अपने कैमरे में बड़ी ही मुश्किल से उसका एक पिक्चर लिया है, और शैडो में आप शायद उसको देख सकते हो, उसके कान और उसके सिंग दिख रहे हैं बट उसके आइज़ नहीं दिख रहे। मैं जब कार से उतरी तो वो भाग गया। तो इट वॉज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। शिमलीपाल मुझे बहुत टाइम से जाना था, फाइनली मैं वहाँ पर गई और मैंने बहुत 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 इन्जॉय किया। आई होप आप लोग भी वहाँ पर जाएंगे और एंजॉय करेंगे। ये था मेरा आज का वीडियो शिमलीपाल के ऊपर। होप यू हैव एंजॉयड, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट, व्हिच इज एब्सोल्युटली फ्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।